बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शाद व आबाद रखे, आमीन सुमा। तो इसी के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो शुरू। आज की वीडियो को जो बहन भाइयों को नजर आ रहा है कोई सफाई वगैरह हो रही है, चला पर खीर ना फर्श वगैरह मैंने धो लिया। अब बाहर बैगों से पानी भी निकाल लिया, कुछ पानी रहा था बाद में निकालूंगी। तो अब डस्टिंग करने वाली रह गई है, ये करती हूँ। तो आ जाना है स्पेशल किसी मेहमान ने, कहा तो यही है कि मेहमान आ रहे हैं, लेकिन अब आएगा तो चलो चुप करो, चुप करो, शोर ना करो बेटा। बेटा चुप करते हो, मुझे बात करने देते हो या नहीं सुने? चलो उधर जाके नहाओ आप। तो मैं ये डस्टिंग वगैरह सारी हर की साफ सुथरी करके रख लेती हूँ। क्योंकि मेहमानों के आने से पहले ये तैयारी कर लेती हूँ। घर में मैं अकेली होती हूँ, फिर उनके पास कोई बैठने वाला भी नहीं होता, कोई बातचीत करने वाला, तो इसलिए ये सारे काम मेरे पहले निपट जाएंगे, तो फिर मैं उनके पास बैठ सकूंगी, उनको हर की सर्दी है तो तैयार कर सकूंगी। इसलिए मैंने ये सोचा कि ये पहले बेडरूम को तैयार कर लेती हूँ। वैसे तो साफ सुथरा है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा हर चीज़ पे कपड़ा छपड़ा मार के हर चीज़ तैयार कर लेती हूँ। क्योंकि सफाई करना जरूरी है, हर चीज साफ सुथरी दिखनी चाहिए। खुशखबरी है जिससे मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश है कि अल्लाह ने सिस्टर समीरा को बेटा दिया है, तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो और अल्लाह ताला ने उनको भी दो बेटे और एक बेटी दी है, अल्लाह ताला उनको भी खुशियां दे। जितनी वो चाहते हों, जितनी वो अल्लाह से मांगते हों, अल्लाह उनकी सोच से भी उनको ज्यादा दे और हमेशा खुदा उनको खुश रखे। तो माशाल्लाह मेरे भी दो बेटे हैं एक बेटी है, खुदा इनको भी लंबी जिंदगी दो और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और लंबी जिंदगी दो और इंसान उनको खुदा इनको एक सुलझे हुए नेक इंसान बनाए। चलो पिछले हो जाओ हूँ थोड़ा जहा, मैं दरवाजा भी साफ कर ला, फिर सुकना नहीं, इस तरह पानी का भी खुश कर ला। कबीर आज रात को हल्की 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 फुल्की बारिश आई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आई। अब तो लग रहा है कुछ धूप वगैरह सूरज निकल रहा है आज, कल तो बिल्कुल नहीं निकला। आज वैसे भी संडे है और बच्चों को भी नहलाना है, इनके भी सुबह तो इन्होंने स्कूल जाना है। सुबह नानी नहीं बेटा, नानी नहीं अभी आ सकती, सुबह नानी सुबह मैं नानी मेरा पता ना, फिर हुजूर बोलने का की फायदा। अब मैं ठीक कहता है, ये वाला कमरा साफ सुथरा हो चुका है और आगे पर्दा कर दिया है।
तो अब ये वाला रह गया, इसे भी साफ कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, ये पानी वगैरह कुछ करती हूँ। क्योंकि अपने जो होते हैं वो तो कभी कभार आ ही जाते हैं, लेकिन जब कोई आगे रिश्ता बनता है तो वो पहली बार जब आते हैं तो अच्छा इंसान को होता है कि इस तरह ना हो, इस तरह ना हो। तो इस तरह मैं ये साफ सफाई कर लेती हूँ। उन्होंने आना तो मेरे पास ही, अगर मैं ही ना उनके पास बैठूं तो आने का क्या फायदा, उन्होंने कौन सा अखबारों को मिलने से आना है। मैं तो तैयारी वगैरह कर रही हूँ क्योंकि कॉल आई थी कि हमने आपके पास आ जाना है, लेकिन आप उनका इरादा पता नहीं क्या बनता, वो पहुंचते भी हैं जो नहीं, लेकिन अब उनकी मर्जी है। ये बाहर प्याजों वाला आ गया, जल्दी जल्दी करो मामा, तू तो जोर ना बोल, बस थोड़े का ऐसे पीछे नट लगे होंगे जे पता नहीं क्यों निकल जाती है। मेहमानों की खुशी विच ना सबर करो बेटा, सबर करो, केड़ा काम गंदा करन रही है तू। कवर भी धो दिंदी है, नीचे वाले कवर चल जाएंगे, उपर वाले ज्यादा ही गंदे हुए या तार ले दिए। एक एक दिन दो दिन छड़िया ना करते, पता नहीं मेनू भी पता है, तुहानू पता हो थले थले मेरा है ना, थले थले मेनू मेरा साड़ा है, मेरी है यदि है पकड़ो मेनू लो ये दे दू बीच भी आ दूसरा भी छड़ा है ना डाल के ਆਹ ਦੇ ਸੇ ਦੋ ਛਾੜੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਛਾੜੇ ਤੇ ਚਾੜੇ ਨਹੀਂ ਛਾੜੇ ਆ ਮਾ ਛਾੜੇ ਜੀ ਜੋ ਕਲੋਨ ਰੂ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣੀ चादरे डाल दूंगी, क्योंकि अगर मेहमानों ने धूप पे बैठना हो तो धूप पे बैठना पसंद करेंगे, नीचे बैठते हैं।
जिस तरह उनका दिल करेंगे उस तरह बैठ जाएंगे। ये चार पाई मैंने एक रख दी और नीचे जाती हूँ। मम्मा पापा कहते तू झुंडी, कल पापा कहते तू झुंडी, साढ़े पापा तेरू कहते झुंडी। मैं कह चाहिए पापा तू झुंडी। और कर ये कमरा भी साफ सुथरा हो चुका है। अब दूसरे कमरे देखती हूँ। ये सफाई मैंने सारी कर ली है। ये हर चीज़ साफ सुथरी हो चुकी है। ये मशीन के ऊपर शेल्टें पड़ी हैं। ये भी इनको भी अभी बटन वगैरह बच्चों ने तोड़ लिए हैं, वो लगाने हैं। तो ये दरवाजे वगैरह हर चीज़ साफ़ सुथरी हो चुकी है। ये किचन में ये बच्चों के लिए कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं कि उनको नहला के पहनाती हूँ। तो और ये गाड़ी का कवर वगैरह भी धो दिया है, अभी सूखा नहीं है, सुखाने वाला है। वो कपड़े मशीन में डाल देती हूँ, आने से पहले वो भी धोए जाएंगे। तो अब देखती हूँ और क्या करना है। धूप तो आ गई है ऊपर, ये वाली धूप नज़र आ रही है। तो अब बच्चों को पहले नहलाती हूँ, पहले दूध लेके आती हूँ, बाद में इनको आके नहलाती हूँ। ये सफाई वगैरह डस्टिंग सारी मुकम्मल हो चुकी है। अब रह गए बच्चे नहलाने वाले। वीडियो का नजरी करती हूँ कि ये है हमारी आज की वीडियो। जिन बहन भाइयों को पसंद आए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।